हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। गिल्स मेंटोर दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। अज आप शुरू करांगे अपनी ज्योग्राफी दी क्लास फिफ्थ, और अज दा टॉपिक नंबर 3 है अपना जो आप कवरअप करना है। ठीक है, टॉपिक है अपना इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया दा साइज लोकेशन, ठीक है, उसके बारे अज आप पूरा डिस्कस करांगे। ठीक है, हाँ जी, अंकुर अरोड़ा वेरी गुड इवनिंग, पिंकी अरोड़ा वेरी गुड इवनिंग, एक बार मैनू दस दो कमेंट करके मेरी आवाज़ पहुंच रही है थोड़े तक, देन स्टार्ट कर दें। Am I audible? मेरी आवाज पहुंच रही है, प्लीज जल्दी दसो। हाँ जी सुजाता, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है पिंकी, ओके ठीक है, चलो स्टार्ट कर दिया। तो कल आप कवरअप करते पे सी आइलैंड्स का टॉपिक, वो थोड़ा क्लास लंबी चले गई सी, टाइम की भी दिक्कत सी, तो क्लास खत्म करनी पई। पहला आप कल वाला ही टॉपिक है जो आप उसनू खत्म कर लें। ठीक है, हाँ जी पूजा वेरी गुड इवनिंग, आइलैंड्स के बारे में तुहानू दस ही दिता सीगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप बारे कर रहे सी आपां, बाकी हुण तक जो क्लासेस दे विच जो कवर करवाईयां ने किसी नू कोई प्रॉब्लम तां नहीं है। लक्षद्वीप दे विच मैं तुहानू दस्सिया ही सीगा, ठीक है, कि आपां केड़े केड़े आइलैंड सीगे, मैनू जल्दी कमेंट सैक्शन च दसो, थोड़े जे मैं कल करवाए भी सीगे। जिसे विच आपने आपां ने तीन आइलैंड पढ़े सीगे, ठीक है, नंबर 1 ते आपां केड़ा पढ़िया सीगा, अमनदीवी, ठीक है, नंबर 2 लैकेडिव, ठीक है, नंबर 3 सी मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, और ये जो अमनदीवी है, ठीक है, ये किन्ने सिगे, ये टोटल 6 मेन आइलैंड्स आते हैं, 6 आइलैंड्स, ठीक है, इस दे 6 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, और लैकेडिव दे विच आ जाते हैं अपने 5 मेजर आइलैंड्स। ठीक है, ओके, तो अमनदीवी दे विच केड़े केड़े आंदे ने, उस दे विच अगर तुसी नाम करना चाहो तो चलो मैं तुहानू दस दिनी, जो अपना अमनदीवी है उहदे विच आ गया अपने कोल अमीनी, ठीक है, केलतान, चेटलाट, कडमाट, बित्रा एंड पेरुमल एंड पेरुमल। ठीक है, और जो अपना सेकेंड है लैकेडिव है, ठीक है, एदे विच की आउंदा, एदे विच मैं तुहानू दस्सिया सी कि 5 ने, ठीक है, जिहदे विच अपने केड़े केड़े आ गए ने मेन, इट्स एंड्रोथ, ठीक है, एंड्रोथ हो गया, ते कालपेनी, कवरत्ती जो मेन है, ठीक है, कवरती नहीं भूलना, कवरती, पिटी एंड सुहेली, पिटी एंड सुहेली, ठीक है, तो ये सिगे जिहड़े अमीन आइलैंड ने, जो 6 और 5 जिहड़े ग्रुप ने, अमनदीवी ते लैकेडिव ने, जो ये अपने मेन 3 ने, ठीक है, मेन मेजर ने, जो जिस दे विच छोटे छोटे आइलैंड्स ने लक्षद्वीप दे विच। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, जस्ट वेरी गुड इवनिंग। तो ये सारे मिलके की कहाउंदे ने, जिन्ने भी ने, इन्हूं एट प्रेजेंटली आपां सारयां नूं ओवरऑल की कहने आ, लक्षद्वीप कहने आ। ठीक है,
ओके क्लियर है? ठीक है, तो हुण अगर गल की जाए कि इन्हें दी लोकेशन वाइज, ठीक है, तो लोकेशन दे वाइज ये देखा जाए तो जेडे अपने को अमिन देवी आइलैंड हो गए ने, ठीक है, नंबर वन वाले ने जो अमिन देवी, जेडे अमिन देवी ने, ठीक है, ये अपने ने नॉर्दन मोस्ट। मैं तुहानू मैप भी दिखाउनी है इहदा, ठीक है, एंड जेडे अपने मिनी कुआई आ गया जो वो हो गया है अपना सदरन मोस्ट, ठीक है, ओके ठीक है। तो एना तुसी पहले नोट डाउन कर लो मेन लक्षद्वीप बारे, फिर मैं तो एदा मैप दिखा ली हाँ। ये रहा एदा मैप लक्षद्वीप का, ठीक है, आ कवरती है, सुहेली, अगाटी, ठीक है, ये छोटे छोटे किने आइलैंड्स ने मेनली जेडे मैं तुहानू पढ़ाए ने, आ मिनी कोआया, ठीक है, आ मिनी कोआया बिल्कुल सदरन मोस्ट अगर आप देखिए, आ देखो ये मिनी कोआया, ठीक है। हाँ जी रंजू मेरा वेरी गुड इवनिंग, मैप दे तुसी स्क्रीनशॉट ले लो। और इन्हां दे विचों अगर आप गल की जाए लार्जेस्ट दी, तो मेनली अगर जिहड़ा इन्हां दे विचों लार्जेस्ट है या कह लो मोस्ट एडवांस्ड है, तो ये मैं इत्थे नोट डाउन कर दी हाँ, लार्जेस्ट कह लो अपने कोल इन्हां दे विच है मिनीकॉय, मिनीकॉय आइलैंड है जो वो लार्जेस्ट है, ठीक है। और इहदा एरिया है 4.53 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा तुसी ने, ठीक है। इस तो बाद आप कर दिया अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान और निकोबार वाले। तो जो अंडमान और निकोबार है, पहले तो तुसी इसका मैप देख लो, ये अंडमान आइलैंड्स ने, ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, ये निकोबार आइलैंड्स ने, ठीक है। और इस दे विच देखो सेंटर दे विच अगर आप देखा जाए कुछ अंडमान और निकोबार दे इन बिटवीन लिटल अंडमान है, कार निकोबार है, ठीक है, इस तरह छोटे 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 आइलैंड ने, ठीक है, आ सेंटिनल आइलैंड है, लोअर अंडमान है, ठीक है, सैडल पीक है बिल्कुल हाईएस्ट पीक आ गया है जो, ठीक है, नॉर्दर्न नॉर्थ अंडमान मिडल अंडमान, ठीक है। तो मेनली अगर आप गल करिए डिविजन्स की, ठीक है, तो जिहड़ा अंडमान आइलैंड है वो वैसे ही डिवाइड किया हुआ है तीन मेन आइलैंड्स दे विच, ठीक है, जो अंडमान है, वो तीन पार्ट्स दे विच डिवाइडेड है जो अंडमान है, ठीक है, जिदे विच फर्स्ट हो गया अपना नॉर्थ अंडमान, ठीक है, देन मिडल एंड देन अपने कोल है थर्ड साउथ, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड तीन पोर्शन डिवाइडेड है, ठीक है। हुण कुछ आंदे ने कुछ पैसेजेस दे विच जो या जो के केड़ा किस चीज़ नू किवें सैपरेट करदा पिया, हुण इत्थे देखो अपने कोल एक लिटल अंडमान है, ठीक है, और अपने कोल केड़ा एक साउथ अंडमान आ गया, तो इहदे विच एक पॉइंट नोट करियो तुसी। वो की करेगा सेपरेट करेगा लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान, ठीक है। क्लियर है? तो डंकिन पैसेज सेपरेट करेगा लिटिल अंडमान नू साउथ अंडमान को, ठीक है। उस तो बाद अपने कोल कुछ चैनल्स आते हैं, ठीक है, कि केड़ा चैनल किवें सेपरेट करता है, ठीक है। चैनल्स होंगे की ने, किसी नू पता है चैनल्स की होंगे? आप पढ़ते हैं 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इदा ये चैनल्स की ने, कोई मैनू दस सकता कमेंट दे विच, किसी नू पता होवे?
देखो चैनल्स पता की होंगे ने, चैनल्स कह लो आपां एक कोई ओपन वाटर वे हो गया जो कहिंदे कोई भी लैंडमार्क है, फॉर एग्जाम्पल एक चलो ए लैंडमार्क कंसीडर कर लैंदे आपां, ठीक है, एक ए बी लैंडमार्क है, ठीक है, तो इन्हां नूं सैपरेट कर रहे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये छोटा जे वाटर पास वाटर बॉडी है जो इतों पास हो रहा, तो यह कितना कितने इन्हों दोनों नूं सैपरेट करती पई है, ब्रॉड ओपन वाटर वे है एक तरह का, जो दो लैंडमार्क नूं की कर रहे हैं सैपरेट करता पे है एक दूसरे तो, ठीक है, या सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, गैप क्रिएट करता पे है, ठीक है, तो ये इसनों आपां मेनली चैनल कहने हैं। यूजुअली चैनल्स वैसे नैचुरली भी होंगे ने, नैचुरली बने हुए भी होंगे ने, या फिर मैनमेड भी होंगे, ठीक है, मैनमेडली मैनमेड बनाए होंगे ने, आपां क्रिएट किए होंगे ने, ठीक है, तो चैनल्स दो तरह के ने, ठीक है, तो देखो ये हूँ चैनल तो पता लग गया सिंपल, कोई भी वाटर वे है जो दो वाटर मेन बॉडीज़ ने जो लैंडमार्क ने उसको आपस के बीच वह करे, ठीक है, सेपरेट करे, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, चलो हूँ अगे आप स्टार्ट करते हैं कुछ मेन चैनल्स के केड़ा चैनल कितने की बनता, चैनल मैं तुम्हें तो समझा दिता कि चैनल होंदा की है, ठीक, हूँ उस तो बाद आप करते हैं कि 10 डिग्री चैनल बारे, हूँ तुम मैं दसोंगे कि 10 डिग्री चैनल किसू कि सैपरेट करता कमेंट करके, उस तो बाद अपने को 9 डिग्री चैनल आंदा, ठीक है, एंड अपने को 8 डिग्री चैनल भी आएगा, ठीक है, तो मैं दसो 10 डिग्री चैनल किनू सैपरेट करेगा। हाँ जी, परविंदर कौर वेरी गुड ईवनिंग, वीर धालीवाल वेरी गुड ईवनिंग, किसी का जवाब अजे तक पहुंचा नहीं गा कमेंट दे विच। चलो जो 10 डिग्री चैनल है वो की करेगा, जिस तरह मैं तुम्हें दसिया ही सीगा कि जो ग्रेट अंडमान ग्रुप है आइलैंड का, आइलैंड के जो ग्रुप्स ने, ग्रेट अंडमान नू सेपरेट करेगा किस तो, फ्रॉम निकोबार, ठीक है, ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो साउथ दे विच ने, उहदे तो की करेगा 10 डिग्री चैनल सैपरेट करेगा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं दस रही हूँ तुहानू। उस तो बाद आंदा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल की करेगा, 9 डिग्री चैनल कित्थे है, 9 डिग्री चैनल हैगा अपना लक्षद्वीप वाला एरिया है जो जो पूरा हुण जिवें मैं तुहानू मैप दे विच भी शो कीता सी, जिवें इस दे विच चलो प्रॉपरली नहीं तुहानू विजिबल होएगा, 9 डिग्री चैनल की करेगा जिन्हें भी लक्षद्वीप के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ने उन्होंने मालदीव्स तो सैपरेट करेगा, जिन्हें भी टोटल जिन्हें भी लक्षद्वीप के आइलैंड्स ने आइलैंड्स नू किस तो सैपरेट करेगा मालदीव्स तो, ठीक है, ठीक है, जेड़ा 9 डिग्री चैनल है, तो ये अपना अरेबियन सी दे विच है 9 डिग्री चैनल, ठीक है, उस तो बाद आंदा 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल की करेगा, वो मिनीकॉय है जो लक्षद्वीप दे विच ही है, जो लक्षद्वीप का हिस्सा है, मिनीकॉय नू सैपरेट करेगा मालदीव्स तो, क्लीयर है, ठीक है, आई होप थानू क्लीयर होएगा सबनू। बाकी है मैं सैडल पीक बारे तो उन्हें बिल्कुल इतने शो हो ही रहा डायग्राम दे विच सैडल पीक बारे, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है, ये कितने है नॉर्थ अंडमान दे विच, आ मिडल अंडमान है, लोअर अंडमान है, सेंटिनल आइलैंड सब कुछ तो उन्हें विजिबल है, लिटिल अंडमान है, ठीक है, कार निकोबार है, ये निकोबार आइलैंड्स में, ओके, हूँ ये अपना कुछ कल वाला टॉपिक जो मेन जिस क्वेश्चन पूछा जाता वो आपने हूँ कवरअप कर लिता है, ठीक है, अगला हूँ आप अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंडिया की लोकेशन साइज और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज बारे आप अगे हूँ स्टडी करांगे, और अज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है,
हुण तक किसे नु कोई प्रॉब्लम कुछ समझ ना आया होवे दस दो जल्दी। तो आप अपनी इंडिया की पूरी एग्जैक्ट तुसी देख सकते हो, पूरी पिक्चर है तुहाडे कोल, ठीक है। बाउंड्रीज भी शो हो रही ने, डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ कंट्रोल, सारा कुछ अज आप हुण कवर कर दिया, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, लोकेशन तो शुरू कर दिया। इंडिया की लोकेशन की है, इंडिया की लोकेटेड लाए यह इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्दन हैमीस्फेयर, ठीक है। नॉर्दन हैमीस्फेयर के विच इंडिया लाए करता है। मैं थोड़ी छोटी जी पिक्चर बना के दस दिनी है, बाकी हैमीस्फेयर हैमीस्फेयर बारे आप आराम नाल बाद विच फिजिकल ज्योग्राफी की टाइम कवरअप करांगे, ठीक है। तो नॉर्दन हैमीस्फेयर हो गया, सदरन हैमीस्फेयर हो गया। तो जो नॉर्दन है इतने की है अपना इंडिया की करता है, लाए करता है बिटवीन जो लैटीट्यूड है, ये वैल्यूज याद रखनिया ने, ठीक है। तो लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गीट्यूड की है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 225 मिनट ईस्ट। तो ये तुसी एज इट इज वैल्यू याद करनी है, इस कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ठीक है। हाँ जी, मैं तुहानू नाल नाल क्वेश्चन पूछती हाँ, उदो तुहाडे चो कोई रिप्लाई नहीं करता, एमसीक्यूज भी कवरअप करांगे, पर उसी तरह अगर जे मैं कोई क्वेश्चन तुहानू पूछती हाँ, तुसी मैनू उसका जवाब दवो, नहीं आंदा तां भी मैनू दसो, आंदा तां भी मैनू एटलीस्ट रिस्पोंस कर दवो तुसी अपना। ये सारे स्टूडेंट्स लई है, ठीक है। तो ये सीगी अपनी एक लोकेशन इंडिया दी, ठीक है, आ मैं तुहानू दस्सिया। और ये जिहड़े अपने लैटीट्यूड और लोंगीट्यूड की जो अपनी वैल्यू है, तुसी ने एज इट इज तुसी की करनी, लर्न करनी है, तुहानू पता होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद इंडिया की है डिवाइड कर दे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किन्नी वैल्यू किन्नी अपने और होंगी है अपनी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और यह ऑलमोस्ट की करती है इंडिया नू दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर देती है, ठीक है। नोट डाउन कर लो तुसी इसनू। और क्वेश्चन आता होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केड़े केड़े स्टेट्स चो पास कर दी है, ठीक है, केड़िया केड़िया स्टेट्स चो ये पास कर दी है, वो हुण तुसी मैनू दसोंगे, ठीक है। फिर उसनू तुहानू मैं दसदी हाँ किन्ना किन्ना ने वो की है, तुसी रिप्लाई करो मैनू नाल नाल, ठीक है। अगर किसी नू पता है प्लीज़ दसो, बाकी मैं दसदी हाँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो केड़ी केड़ी स्टेट्स चो पास करेगी, पास करेगी वो नंबर वन करेगी गुजरात तो, ठीक है। नंबर टू कितों पास करना है उसने, गुजरात फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एमपी, देन फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, देन झारखंड, उस तो बाद वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। ये जड़ियाँ कुछ स्टेट्स ने, ठीक है, मैं बोल देनी हाँ, थोड़ा हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही, सो सॉरी फॉर दैट, मैं बोल देनी हाँ एक बार केड़ी केड़ियाँ ने, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये टोटल स्टेट्स ने जिथों जिथों की है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कर दिए, पास कर दिए, ठीक है। और साउथ ईस्ट के विच जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल के विच लाए करते हैं, ये सबनों पता है, ठीक है। साउथ वेस्ट के विच की ने लक्षद्वीप ने जो अरेबियन सी के विच लाए करते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी अपनी लोकेशन है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्दन हैमीस्फेयर के विच इंडिया की है, इंडिया की यह लोकेशन है, ठीक है, इंडिया के वर्ल्ड के विच। अगे हुण आपां करदे हां एरिया, अगर आपां एरिया दी गल कीती जावे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिस जो कि की है वर्ल्ड दा 2.4% एरिया है, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ 7th ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਇਜ਼ 7,516.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ longest coastline और ये हैगी है इसका आंसर है गुजरात ठीक है ये अपनी longest coastline आती है गुजरात की ठीक है south side अगर गल की जाए कि south side longest coastline की दी है ठीक है तो south side है आंध्रा आंध्र प्रदेश ठीक क्लियर है समझ आ रहे हैं सबनों हुन आपा कुछ कर दे अपना अगला कुछ इस चीज बारे भी पता होना चाहिए है कि एक्सटेंट की है स्टैंडर्ड मेरिडियन की है ठीक है या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की है देखो ये ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ कि आ है अपना लोंगिट्यूड ते लैटिट्यूड ठीक है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ठीक है और इसकी पूरा डिस्टेंस कितना है 2933 किलोमीटर है ठीक है और नॉर्थ टू साउथ कितना है अपना कितना है टोटल 3214 किलोमीटर ये नॉर्थ टू साउथ है और ये वेस्ट टू ईस्ट है ठीक है हुन लोंगिट्यूड ने लैटिट्यूड ने एक्सटेंट की ने ठीक है तो देखो ये कहता है कि जड़ा अपना इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो स्मॉलर है बिल्कुल और जबकि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की है ज़्यादा है आप पीछे पढ़े ये कि कितना है अपना नॉर्थ साउथ 3214 किलोमीटर है जो नॉर्थ टू साउथ है ठीक है हुन वो की कहता है कि द टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ठीक है यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पास कितों कर दिया मिर्जापुर यूपी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट क्योंकि पूछा जाता है पॉइंट एक कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कितों पास कर दिया इंडिया दे विच यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि केड़ी है जी स्टेट है या केड़ी प्लेस है जितों इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कर दी है वो मिर्जापुर यूपी तो पास कर दी है ठीक है और उसे करके ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपने होल कंट्री लिए इतों तो ही लिता जाता है ठीक है और एक अपना ग्रीनविच टाइम है ठीक है उसके बारे आप अगे पढ़ांगे तो आप उन्हें तो कितने टाइम आप पूरे 5 hours 30 minutes अहैड हाँ अगे आप ग्रीनविच टाइम तो 5 घंटे 30 मिनट आप अहैड हाँ ग्रीनविच टाइम तो GMT ठीक है और हुण एक क्वेश्चन आता हूँ कहते भी जो देखो टाइम गैप है अरुणाचल प्रदेश के जो ईस्ट के और गुजरात है वह कितना है 2 घंटे का ठीक है तो क्यों है क्योंकि जो लैटीट्यूडनल एक्सटेंट है बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है उस चीज़ में ठीक है जिवें भी कोई भी बंदा वेस्ट टू ईस्ट या चलो जो भी है नॉर्थ टू साउथ अगर आप मूव कर दें ठीक है वो क्यों है क्योंकि जो अपना सन है कितों वो सब तो पहला किधर किस पास उगता ईस्ट के सनराइज कितने होंगे ईस्ट के ठीक है मिर्जापुर है ठीक है लोकेशन आ डायग्राम तो तुसी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ठीक है इंडियन मेरिडियन है जो वो मिर्जापुर यूपी तो पास कर दिए ठीक है
छोटे छोटे बाकी पॉइंट्स ने कि अपना जो इंडिया है ठीक है वर्ल्ड दे विच ठीक है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया दे विच के लोकेट करदा सेंटर दे विच है ठीक है द रूट अक्रॉस इंडियन ओशन विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया बिल्कुल ऐसे करके एक स्ट्रैटेजिकली सेंट्रली लोकेशन मिल जाती है ठीक है तो जो अपना डेक्कन पेनिनसुला है इंडिया का उसने की करता क्लोज कॉन्टैक्ट किया विद वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप ठीक है ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स ने मेन अगर आप अगे स्टार्ट कर दिया तो ओशन है विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन द नेम इंडियन ओशन बिल्कुल ठीक है और नो कोई भी इस तरह की कंट्री नहीं हैगी जिंद कहते लोंगेस्ट कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशन के जिनी इंडिया की है ठीक है हूँ आई देख सकते हो इंडिया की की लोकेशन है इंडिया बे ऑफ बेंगाल अरेबियन सी कोस्ट लाइन देख सकते हो तुम आ सारी इंडियन ओशन है तो सारा ये इंडियन ओशन के ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडिया की ही है देख सकते हो तुम ठीक है मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गई ने यूरोप है एशिया अफ्रीका लार्जेस्ट कंट्रीज दे विच अगर एरिया वाइज देखा जाए तो रशिया है कैनेडा ठीक है एरिया अगर देखा जाए उसी तरह तो इंडिया का नंबर कितना आ रहा है सेवंथ रैंक आ रहा है इंडिया का सेवंथ रैंक है हुण मेन पॉइंट ध्यान है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए नेबरिंग कंट्रीज ने जो अपनी इंडिया दे विच की अपनियां किन्नियां नेबरिंग कंट्रीज ने ठीक है उहदे बारे हुण तुसीं मैनूं दसना है कि जिवें नॉर्थ वेस्ट दे विच पाकिस्तान है अफगानिस्तान है देखो इधर मैप दे विच देख दिया इंडिया ठीक है पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार ठीक है तो एक चाइना है ठीक है तो ये अपनी की ने नेबरिंग कंट्रीज ने इंडिया दी यूनियन टेरेटरी दे विच अपने कोल सिक्स यूनियन टेरेटरीज ने ठीक है और एक अपने कोल है नेशनल कैपिटल टेरेटरी ठीक है ओके तो हुण लोकेशन दे विच देखो तुसी जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज ने साउथ दे विच श्रीलंका मालदीव्स है ईस्ट दे विच म्यांमार बांग्लादेश नॉर्थ दे विच चाइना नेपाल ठीक है तो इस तरह ये कंट्रीज अपनी हुण आपां इन्हां बारे कुछ नोट डाउन करते कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स केड़े केड़े ने ठीक है सब तो पहली गल अगर आप इंडिया की अगर आप बाउंड्री की गल करिए तो बाउंड किने किया हुआ डेफिनेटली अपने उपर हिमालयाज ने ठीक है हिमालयाज अपने यंग फोल्ड माउंटेन्स ने मैं दसिया ही सीगा थोनू तो इन्होंने की किया हुआ एक तरह अपने इंडिया नू बाउंड्री की बाउंड्री प्रोवाइड की है बाउंड किया हुआ अगर आप टॉप तो देखिए ठीक है हुण अगर आप बॉर्डर की गल करिए कि आप बॉर्डर की लेंथ शेयर करते हैं ठीक है तो वैसे तो चलो याद रखने की कोई लोड़ नहीं गी पर दे जिवें बांग्लादेश हो गया है ये नाल आप 4096.7 किलोमीटर है जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के नाल ठीक है चाइना नाल कि 3488 किलोमीटर पाकिस्तान ये 3323 नेपाल 1751 देन म्यांमार 1643 भूटान 699 और फिर अपना लास्ट है अफगानिस्तान 106 तो इस दे विचो सब तो ज़्यादा मैक्सिमम अपा अगर आप बॉर्डर दी शेयरिंग दी गल करें तो अपा वो अपना बांग्लादेश है मैक्सिमम अपा बांग्लादेश दे नाल बॉर्डर शेयरिंग कर दे हैं ठीक है और जो श्रीलंका और मालदीव्स ने वो आइलैंड कंट्रीज हो गई हैं श्रीलंका जो अपनी नेबरिंग आ गई हैं एक तरह दी और मालदीव्स हो गई हैं ये अपनी आइलैंड ने आइलैंड नेशंस कह लो इन्होंने ठीक है
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਐਂਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਐਂਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 1, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 3, ਸਿੱਕਿਮ 4 ਐਂਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 5। ਤਾਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੀ ਨੇ, 5 ਨੇ। 5 ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ, ਔਰ 5 ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਸਿੱਕਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੀ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੇਨਲੀ ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਸਿੱਕਿਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਭੂਟਾਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ।
हाँ जी ठीक है, वॉइस सुन प्लीज, जल्दी दसो, आवाज पहुंच रही है ना मेरी? तो मेनली रेडक्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन ने, ठीक है, तुम ये दो याद रखियो, ठीक है, जो इंडिया पाकिस्तान और चाइना और इंडिया, बिटवीन इंडिया और चाइना दे विच किया है, वो कर दे बाउंड्री लाइंस ने, ठीक है। ओके, उस तो बाद कुछ अपने को लगे मेन अपने पुल पॉइंट्स ने, एडजस्टिंग कंट्रीज हो गई ने, ठीक है। हूँ श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका किमें सैपरेट होंगे इंडिया तो, जो नैरो चैनल है उन्होंने पाक स्ट्रेट कहने हैं, एंड गल्फ ऑफ मनार जितों श्रीलंका सैपरेट होंगे इंडिया तो, ठीक है। मालदीव्स ने बिल्कुल साउथ ऑफ लक्षद्वीप लोकेट ने, लोकेट होने, ठीक है, सिचुएटेड ने। और पेनिसुला सबू मैं दस कि पीस ऑफ द लैंड जो तीनों पास पानी घिरया होएगा, मेनलैंड एक पास कनैक्टेड होएगा, वो पेनिसुला, ठीक है। और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक 0 पॉइंट है, ठीक है, ये भी ऐड ऑन कर लो, 0 पॉइंट। ये की करेगा, ये सेपरेट करेगा गुजरात एंड राजस्थान, फ्रॉम पाकिस्तान सिंध, या फ्रॉम कह लो तुसी सिंपली सिंध है जो पाकिस्तान का, ठीक है। ओके, तो यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जो याद रखने लायक ने, ये जो कि तो कोई कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इन्ना ही बहुत है अपना एग्जाम लिए मेनली, ठीक है, जो आप एग्जाम्स लिए फोकस कर रहे हैं। तो आई होप तो लेक्चर क्लियर है, ठीक है। बाकी जो भी अज करवाया तुझे सारा रिवाइज कर लियो, जो भी मेन पॉइंट्स ने, कोई डाउट है नहीं किसी नू? ओके देन, ठीक है।